हाय, मैं हूँ शुभि और आप देख रहे हैं ग्लैम अप। हर्षद चोपड़ा ऐसे ही एक्टिंग स्टफ चूज करते हैं जो उन्हें एटलीस्ट 8 मंथ्स तक एक्साइट करे। उससे ज्यादा का फ्यूचर प्लान्स वो इसलिए नहीं रखते क्योंकि वो मानते हैं कि इतना प्लान करना लाइफ को टॉर्चरस बना देता है। लाइफ को इसी तरह सॉर्टेड रखने के बिलीवर रहे हर्षद। मंडे को व्हाइट, ट्यूसडे को रेड, वेडनेसडे को ग्रीन, थर्सडे को येलो, फ्राइडे को अगेन व्हाइट, सैटरडे को ब्लैक एंड ब्लू और संडे को पिंक कलर शेड्स ही वियर करते हैं, जिससे उन्हें कपड़े चूज करने में रोज रोज ज्यादा परेशानी ना हैंडल करनी पड़े। हर्षद की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी बातें उन्हें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। तो यदि आप के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर ऐसी ही लाइफ स्टोरी वीडियोस मौजूद है, तो उन्हें देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। हर्षद चोपड़ा का जन्म 17 मई 1983 को गोंडिया महाराष्ट्र में हुआ था। उनका पूरा नाम हर्षद प्रकाश चोपड़ा है और प्यार से सब उन्हें मोनू बुलाते हैं। हर्षद कहते हैं कि बचपन में वो फर्नीचर की तरह हुआ करते थे, यानी वो एक नॉन लिविंग थिंग की तरह थे। जी नहीं रहे थे, बस एग्जिस्ट करते थे और बस जो चीज उन्हें पसंद थी वो ही काम किया करते थे। फिर क्लास 8 में आने के बाद उन्होंने शॉट पुट और डिस्कस थ्रो में पार्टिसिपेट किया और वो तब इतने एक्साइटेड रहने लगे कि प्रैक्टिस सेशंस के लिए वो सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे। फिर उन्होंने एनसीसी में भी पार्ट लिया और उसके बाद से वो सब चीजें करने लगे जो उन्हें जिंदा होने का एहसास कराती थी, वरना वो एक लेजी किड ही हुआ करते थे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इतना एक्टिव हो जाने के अलावा हर्षद अपनी स्टडीज में भी बहुत अच्छे रहे। उन्हें मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से बहुत प्यार हुआ करता था और वो उनके फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करते थे। हर्षद बताते हैं कि क्लास 9th में वो लाइफ में फर्स्ट टाइम हिस्ट्री क्लासेस में जगे रहे होंगे, क्योंकि उनकी हिस्ट्री टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थी और वो उनसे बहुत डरती थी कि ये मुझे कहीं पकड़ न ले। खैर, टाइम के साथ उन्हें हर चीज में इंटरेस्ट आने लगा और वो एक लर्नर बनते चले गए और हर दिन कुछ ना कुछ सीखने की चाह उनमें आज भी है। फिर क्लास 12th बोर्ड्स देने के बाद उन्होंने मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स पुणे से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की और उसके जस्ट बाद ही वो एक्टिंग में करियर बनाने मुंबई शिफ्ट हो गए। हर्षद बताते हैं कि उन्हें टाइम टेबल वाली डिसिप्लिन लाइफ बहुत अच्छी लगती है, जिसमें कोई भी उनसे मिले भी तो ये समझ जाए कि हर्षद इस टाइम पर ये काम कर रहे होंगे। वो बताते हैं कि फ्रीडम वाली लाइफ में सबके पास 24 घंटे होते हैं और कोई भी कभी भी कुछ भी कर रहा होता है और उन्हें इस तरह की लाइफ से नफरत होती है। अब बात कर लेते हैं उनकी करियर लाइफ की। यह 2006 में ममता शो से हर्षद ने करण श्रीवास्तव के रोल से अपना टीवी डेब्यू किया था और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उनका पहला रोल एक नेगेटिव रोल था और उनके पहले ही सीन में उन्हें एक लेडी को पकड़कर ट्वर्ल करवाना था और तब हर्षद काफी कांपने लग गए थे, पर कैमरा के पीछे खड़े लोगों का कहना था कि उनमें सच में एक्टिंग का टैलेंट दिखाई दे गया था। फिर यह 2006 में लेफ्ट राइट लेफ्ट उनका सेकंड शो उनके लिए टर्निंग पॉइंट लेकर आया, जिसमें उन्होंने कैडेट अली बेग का रोल प्ले किया था और इस रोल से उन्हें पहचान भी मिली। फिर सेम ईयर 2006 में उन्हें अक्षत मेहरा का रोल प्ले करने का मौका मिला अंबर धरा शो में। इस शो में हर्षद का रोल काफी छोटा था पर व्यूअर्स पर काफी इम्पैक्ट डालने में कामयाब रहा। इसके बाद वो नजर आए किस देश में है मेरा दिल शो में, जिसमें उन्होंने प्रेम जुनेजा का रोल प्ले किया और ये वो शो था जिसने उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी दिलाई और शो 4 साल तक लगातार व्यूअर्स की पसंद बना रहा। और ये ही वो शो था जिसमें हर्षद ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम किया था और उनकी डेथ के बाद हर्षद ने सुशांत के जस्टिस के लिए भी प्रे किया था और कहा था कि वो लाइफ की हर चीज को लेकर बहुत पैशनेट थे और उनकी लाइफ को सेलिब्रेट ही करना चाहिए। बाद में हर्षद सौभाग्यवती भव, हम सफर और बेपना जैसे पॉपुलर शोज में बहुत पॉपुलर रोल्स निभा चुके हैं और 2016 द एंड नाम की एक मूवी में भी वो काम कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने राहुल नाम के रिच बिजनेसमैन के बेटे का कैरेक्टर प्ले किया था जो अपने डैड से बहुत नफरत करता था। रिसेंटली वो ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं प्रणाली राठौर और करिश्मा सावंत के साथ नजर आ रहे हैं, जिनकी लाइफ स्टोरीज भी आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। खैर, तो अपने एक्टिंग के लिए उन्हें बहुत अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, पर 2017 में उनका नाम टाइम्स ऑफ इंडिया की टॉप 20 मोस्ट डिजायरेबल मैन की लिस्ट में 16th नंबर पर था। हर्षद एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पेरेंट्स उन्हें इस इंडस्ट्री में भेजने को बिल्कुल भी रेडी नहीं थे और इस इंडस्ट्री में अपनी फैमिली से कोई बैकग्राउंड ना होने की वजह से हर्षद भी रोमांटिक सीन्स को लेकर अपने पेरेंट्स की तरह इतने ओपन नहीं रहे और जब भी उन्हें इंटीमेट सीन करने पड़ते हैं तो उन्हें ऐसे सीन्स हमेशा फनी लगते हैं। वो बताते हैं कि जब वो ऐसे सीन्स कर रहे होते हैं तब उनके माइंड में कुछ भी नहीं होता और वो सीन में डूब जाते हैं
तब वो ये नहीं सोचते कि मम्मी जी पापा जी क्या सोचेंगे या सिस्टर को कैसे फेस करूंगा। पर ऑकवर्डनेस तब फील होती है जब वो अपने घर में घुसते हैं और उन्हें पता होता है कि सीन टीवी पर एयर किया जाएगा। और वर्स्ट फीलिंग तो तब होती है जब उन्हें वो सीन वही फैमिली के साथ बैठकर देखना भी पड़ता है। हर्षद कहते हैं कि फिर घर में सन्नाटा हो जाता है और यहाँ वहाँ सब देखते रहते हैं एंड ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कोई टीवी पर कुछ नहीं देख रहा है। हर्षद कहते हैं कि वो कोई भी काम हाफ हार्टेडली नहीं करते, बल्कि जो भी काम करते हैं उसमें अपना 100% झोंक देते हैं और सोशल मीडिया भी वो रेयरली ही यूज करते हैं। जब उनसे उनकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उस लड़की का नाम तो रिवील नहीं किया, पर उन्होंने कहा कि वो एक लड़की को जेन्युइनली पसंद करते हैं और चाहते हैं कि उसी पर जाके रिश्ता खत्म हो। पर वो टाइम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी हो जाना चाहते हैं और तब तक रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते जब तक वो पूरी तरह से रेडी ना हो। और हर्षद चाहते हैं कि उनका वो रिश्ता लाइफ लॉन्ग चले, क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस है, इसलिए वो अपना टाइम ले रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग कौन हो सकती है उनकी वो सीक्रेट गर्लफ्रेंड, कमेंट जरूर करें। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। मैं फिर आऊंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।